आइए दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईगो। मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं एक प्यारी सी कहानी। इस कहानी का शीर्षक ईगो क्यों रखा गया, ये कहानी देखने के बाद आपको पता चलेगा। और ऐसे में आप सभी के कमेंट्स की बात करूं, और आप सभी का कमेंट बहुत प्यारा लगता है, कमेंट आप करते हैं, उन कमेंट्स के जरिए दिन प्रतिदिन मैं अपने वीडियोस में सुधार करना चाहता हूं। बेहतर लगा कि आप सभी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि अभी किस तरीके की कमियां मेरे अंदर रह गई। आइए तो फिर कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, वो मूर्तिकार जिस मूर्ति को बनाता था, लोग देखकर चकित हो जाते थे कि जैसे लगता है कि ये मूर्ति अभी बोल देगी, यानी मूर्ति और जीवित व्यक्ति में अंतर नहीं कर पाते थे। इस बात का घमंड जो है उस मूर्तिकार को हो गया, उसके अंदर अहंकार आ गया कि मेरे जैसा मूर्ति बनाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी इतनी बेहतरीन मूर्ति कोई बना नहीं सकता। ऐसे में वो मूर्तिकार दिन प्रतिदिन पढ़ता रहा, बनाता रहा मूर्तियों को, और जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा आया जब मूर्तिकार को लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है और उसका अंत समय आ गया। ऐसे में उसने मूर्तिकार ने अपने जैसी सेम हूबहू 10 मूर्तियां बनाई। उन 10 मूर्तियों को बनाने के बाद वो स्वयं भी उसी में जाकर खड़ा। अब यह योजना थी यमराज के लिए कि यमराज के आने के बाद यमराज भी चकित हो जाएंगे, यमराज भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि आखिर इस योजना से यमराज भी पहचान नहीं सकेंगे। ऐसे में जब यमराज आए तो यमराज ने उन सारी मूर्तियों को देखा, और मूर्तियों को देखने के बाद सच में वो भ्रमित हो गए। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि इसमें जिस व्यक्ति को ले जाना है, इसमें मूर्ति कौन है और वो मनुष्य कौन है, यह निर्णय ले पाना यमराज के लिए बहुत ही कष्टकारी। यमराज ने भी योजना बनाई। यमराज ने कहा कि किस मूर्तिकार ने इन मूर्तियों को बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृति की गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको ढाला गया है, लेकिन इस मूर्ति में एक कमी रह गई। लगता है उस मूर्तिकार को वो कमी नजर नहीं आई, वरना वो इस कमी को भी पूरी कर देता, इस कमी को नहीं रहने देता। अब क्या था, इतना सुनते ही वो मूर्तिकार जो कि उन्हीं मूर्तियों में खड़ा था, वो छट से बाहर आया और बोल बैठा, क्या कमी रह गई है इस मूर्ति में, इसमें कोई भी कमी नहीं है। यमराज ने तुरंत उत्तर दिया कि यही तो कमी रह गई कि मनुष्य में अहंकार होता है लेकिन मूर्तियां बोल नहीं सकती, मूर्तियों में कोई अहंकार नहीं। और इस तरीके से यमराज उस व्यक्ति को पकड़ लिए और अपने साथ ले गए। कहने का आशय है दोस्तों कि इस कहानी से हमें सीख क्या है, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख ही दिया है, कभी सुखी नहीं किया। जैसा कि अभी आपने देखा इस कहानी में उस मूर्तिकार के साथ
वही घटना हुई, अगर वो अहंकार में नहीं रहता तो शायद उन मूर्तियों के बीच से बाहर निकलकर नहीं आता या बोल नहीं पाता। झट से बोल दिया उसने और ऐसे में उसका अहंकार ही उसके लिए दुख का कारण बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि ये कहानी उन तक भी पहुंच सके। और इस तरीके से मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।